नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2024 में यात्री सेवा शुरू होगी। साल 2024 तक पहले फेज की शुरुआत हो जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। कुल चार फेज में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। पहला फेज 2024 तक पूरा होगा। पहले फेज में 1.2 करोड़ सालाना यात्रियों के सफर की तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ सीओओ किरण जी हैं। किरण जी, बिल्कुल तरीके से जैसा आपने आज हमें समझाया पूरा कि 2024 में तैयारी तो है, लेकिन क्या कुछ खास लेकर आएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की? अब वो जो स्थिति है, जो भारत से किस तरह से, भारत के अलग दूसरे एयरपोर्ट से कैसे अलग होगी इस एयरपोर्ट की, क्योंकि जो इस डेकेड में जो नई चीजें आ रही है उनमें देखा जा रहा है बहुत कुछ नया है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या नया लेकर? ओके, तो पहली बात तो यह है कि यहाँ के निवासियों के लिए सबसे बड़ी और सबसे नई बात यह है कि उनके नेबरहुड में एयरपोर्ट है। इससे कुछ नई और इससे ज़्यादा बात हो ही नहीं सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ यह है कि आपने पूछा है कि हम नई चीज़ें क्या। ओके, सो बेसिकली ये है कि देखो, एवरी फ्यू ईयर्स टेक्नोलॉजी तो चेंज होती है बिकॉज दिस इज़ वेरी फास्ट। सो जो अभी तक अवेलेबल है और जो आगे से हम 5 साल देख सकते हैं, उसके हिसाब से ये हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे होगी। टेक्नोलॉजी होगी पैसेंजर प्रोसेस के लिए, टेक्नोलॉजी होगी एयरक्राफ्ट प्रोसेस के लिए, टेक्नोलॉजी होगी पूरा जैसे कि यूटिलिटी मैनेजमेंट का, ये सारी थ्रू टेक्नोलॉजी ही होगा, विच इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। कितने फेजेस हैं? जैसा कि पहला फेज 2024 में आप कह रहे हैं कि हम इतने यात्री नंबर ऑफ लाना चाहते हैं, तो उसका एक अगर आप छोटा सा प्लान बताएं कि हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 में इस तरह से रन कर। सो 2024 में हम 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी स्टेट को डिलीवर कर देंगे, और उसके हिसाब से जब वो 80% पहुंच जाएगी फिर हम दूसरे फेज को शुरू करेंगे। तो ऐसे ही चार फेज है हमारे एयरपोर्ट डिलीवरी के, जो अप टू 70 मिलियन जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना साथ रहा था? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनका साथ तो बहुत रहा, अभी भी है और रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली हम दोनों आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहने के लिए कि जो सपोर्ट हमें मिला है, स्टेट से मिलता है, सेंटर से मिलता है, आपकी लोकल अथॉरिटी से मिलता है, वो एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड है। और हम चाह रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहे, और हमें फुल विश्वास है कि ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि इंटेंशन दोनों की बहुत सही है। हमने ये एयरपोर्ट आपके लिए बनाना है, देश को नया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करना है, और लोगों को, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला भी फ्लाई कर सके, हमारी भी वही इंटेंशन है, हम सबको फ्लाई करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, साल 2024 का क्या मतलब है? जून 2024, सितंबर 2024 या फिर फरवरी 2024? बाय द एंड ऑफ 2024। 2024 के अंत में, लेकिन वो शुरुआती जो जितने भी पायलट प्रोग्राम्स होते हैं वो आई थिंक वो पहले 2024 के पहले इस फेज में आई थिंक हो सकते हैं, क्योंकि 2024 एक अहम साल है, इसलिए मैं ये सवाल इसमें जोड़ना चाहता हूं। वो तो बिल्कुल, देखो ये प्रोसेस है, इसको ऑपरेशनल रेडीनेस कहते हैं, वो बिल्कुल ये प्रोसेसेस चलती रहेंगे और ये बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट अलग होता है। तो ऑपरेशन तो चलते रहेंगे, टेस्टिंग होती है, वो जिसको आप पायलट कह रहे हो वो हमारे लिए टेस्टिंग होती है। बिल्कुल, देखिए वो टेस्टिंग जो है वो 2024 के पहले फेज में यानी कि मई से पहले शुरू हो जाएगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वरुण बसीन, जी मीडिया।